हाय कल्पेश, हेलो। हाय भावना भाभी, कैसे हो? आइए आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। आपकी गाड़ी देखने के बाद सुकून मिलता है, मतलब। तो ये है फॉर्च्यूनर। हाँ जी। और शायद आपने एक बार मुझे बोला था ये 216 मॉडल है। 2015 एंड, यानी कि वो 16 मतलब। हाँ। और आपने ये भी बोला था मुझे कि ये ऑल टाइम 4x4 है। हाँ जी, ऑल टाइम 4x4। ऑल टाइम मतलब आपको कहीं भी तकलीफ नहीं पड़ती होगी कभी पहाड़ चढ़ने में वगैरह? नहीं, नहीं, नहीं। देखो, ये मेरा मैं करीब 3 साल से तो यूज कर रहा हूँ, और इतने रफ टर्न में भी गया हूँ, बहुत बहुत रफ टर्न में भी मैं गया हूँ, कभी भी आज तक मुझे तकलीफ नहीं आई। तो कल्पेश, आप तो ड्राइव करते हैं इस गाड़ी को, तो आपका तो अनुभव पूरा हो गया, मतलब चलाने में, लेकिन आपका अनुभव क्या है इस गाड़ी के बारे में? मैं भी जितनी बार हम साथ ही गए हैं, तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हम कहीं अटके, चाहे हील हो या पथरीला कोई रास्ता हो, या अभी हम स्नो में भी जाके आए, वो सेला पास पास किया हमने, तो सेला पास पास किया हमने, यानी नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में, वेरी गुड। टफ से टफ रास्ता वेस्ट बंगाल में भी हम गए, वहाँ भी बहुत टफ रास्ता था, फिर भी हम कहीं नहीं अटके, बहुत बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा ना? बहुत अच्छा रहा। तो ये मुझे बताइए कि टोटल किलोमीटर्स आपने कितना कवर किया इस बार? 7000 से भी ज्यादा, 7500 टोटल कवर किया आपने, और थकान जरा भी महसूस नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, मतलब एकदम एक्सलेंट। और आपने इस गाड़ी का BHP क्या है मुझे मालूम नहीं, वो आप बताइए। और उसके बाद आपने एक्स्ट्रा रेस किया है क्या? हाँ जी, उसमें एग्जैक्ट नंबर्स तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसका जो ओरिजिनल कंपनी का जो BHP आता है वो 170 आजू बाजू का इसका था, तो उसको रेस करके हमने 210-225 तक हमने उसको रेस किया है। अच्छा। और टॉर्क भी 270 के आजू बाजू का ओरिजिनल टॉर्क था, उसको हमने इंक्रीज करके करीब करीब 400 तक हमने उसको बढ़ा दिया है। तो गाड़ी का पावर बहुत बढ़ गया उसको, मतलब। उसको ट्यूनिंग बोलते हैं। हमने स्टेज 1 ट्यूनिंग किया है। स्टेज 1, ओके। और हम ये भी बात करेंगे कि इसमें कितना वेट आपने बढ़ाया है, तो उसके लिए मतलब आपने सस्पेंशन वगैरह में कुछ चेंजेस किया है? हाँ, वो जो मैंने पहले भी आपको थोड़ा ब्रीफ दिया था कि जापान की कंपनी है टियान, जो रेसिंग और ऐसे कस्टमाइज सस्पेंशन के लिए बहुत फेमस है, और कंफर्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं, और ये जो सस्पेंशन हमने जो डाला है, चेंज किया है, उसको एडेप्टिव सस्पेंशन बोलते हैं, यानी कि आपकी ड्राइविंग कंडीशन और रोड कंडीशन के हिसाब से वो खुद चेंज करता रहता है उसका सेटिंग। अच्छा। अपने को मैन्युअली चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। ओ, वेरी गुड। तो उससे क्या फायदा मिलता है कि एडिशनल वेट इंक्रीज करने के बाद भी आपको जब सडनली ब्रेकिंग करते हैं तो नॉट डाउन इफेक्ट आता है। हाँ, आगे से नीचे से नीचे झुक जाती है। हाँ, तो वो नहीं होता है। अच्छा, वो नहीं होता है इसमें। हाँ। और दूसरी चीज, जब हाई स्पीड पे जब टर्न हम लेते हैं कॉर्नरिंग में, शार्प टर्न लेते हैं, तो गाड़ी एक साइड झुक जाती है। हाँ। जिसको हम उस इफेक्ट को ये सस्पेंशन खुद मैग्नीफाई कर देता है, एक साइड सस्पेंशन स्टिफ हो जाते हैं। समझ गए। तो वो भी उसमें काफी हद तक वो भी एडजस्ट हो जाता है सब कुछ। तो चलो, ये बात हो गई गाड़ी की। और अभी हम गाड़ी में जो आपने ये जैसे टेंट लगाया है, ओनिंग लगाया है, पीछे किचन का हिस्सा क्या है, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, हमने बहुत सारी बातें की। अभी मुख्य चीज जो है पानी, तो आप पानी कहाँ पर स्टोर करते हैं और कैसे भरते हैं, वो जरा दिखाइए हम लोगों को। पक्का। इसमें जो ओरिजिनल जो स्पेयर टायर होता है नीचे की साइड, जो नीचे आता है वो। हाँ, हाँ, हाँ,
उस जगह पे स्पेयर टायर की जगह मूव करके हमने पीछे ये अलग से कस्टमाइज बैक स्विंग बनाया है, उसके ऊपर ले लिया टायर, और टायर की जो ओरिजिनल जगह है वहाँ पे हमने 120 लीटर का पानी का टैंक 120 लीटर। हाँ, जबरदस्त। मतलब इस बार जो आप लोग ये नॉर्थ ईस्ट गए, तो जो आपने संख्या बोली 120 लीटर, मैं समझ सकता हूँ आपको कहीं भी पानी की तकलीफ नहीं हुई होगी। नहीं, कभी भी नहीं हुई ना? कभी नहीं हुई। और वैसे हम एक या दो रोज जहाँ पे भी रुकते थे हमारे लिए इनफ पानी था। ओके, तो दिखाइए पानी कैसे भरते हैं और फिर पानी का उपयोग तो कैसे होता है। एक कनेक्टर है जो मैं रखता हूँ हर दिन। हाँ। और ये कनेक्टर को सीधा यहाँ पे एक और मेल कनेक्टर है। अच्छा, उसमें ले जाके जस्ट मुझे पुश करना है। ये हो गया। एक कनेक्टर है, पानी भरना शुरू हो गया, आवाज आ रही है। और ये कनेक्टर को और तकरीबन सॉरी 120 लीटर पानी भरने में कितना वक्त लगता है? मतलब ये जो फोर्स है अभी, ये जो फोर्स है उसमें ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट। अच्छा, उतने में भर जाता है। मतलब भावना जी की तो वाह वाह हो गई। मतलब पानी पानी, मतलब खाना बनाने में कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। पानी बहुत कैंप में पानी जरूरी है। अच्छा, पानी के बिना आप कैंपिंग कर सकते हो, फिर लिमिटेशन आ जाती है। क्योंकि हम कहीं पीने का पानी का बोतल हम खरीदते नहीं है। पीने का पानी मतलब? हाँ, जो सोर्स से हमने पानी स्टोर किया होता है उसी सोर्स को हम फिल्टर करके अच्छा? पीने का पानी बनाते हैं। इसका मतलब मैं ये समझू कि आपके पास एक अलाइदा फिल्टर भी होगा। हाँ। अच्छा, चलो अच्छा है वो। तो देखा दोस्तों आपने, इन्होंने 120 लीटर की पानी की टंकी बनाई है, लेकिन उसके फायदे क्या है कि पीने का पानी भी उसी में से लेके फिल्टर करके पीते हैं, और शावर के लिए भी यही पानी का उपयोग करते हैं, और किचन के लिए भी। और किचन के लिए भी। तो वजन की कोई प्रॉब्लम होती है कि 120 लीटर पानी भरा हो तो आपने? हाँ, उसमें क्या है, जो ओरिजिनल ये टोयोटा का फॉर्च्यूनर मॉडल है 2015, जिसको आई थिंक क्या बोलते हैं उसको, ये सेकंड जनरेशन मॉडल है। राइट। फर्स्ट जनरेशन मॉडल 2010 का था। ओके। फिर 2013-14 में सेकंड जनरेशन आया। फिर 16-17 में थर्ड जनरेशन आया। ओके। तो ये सेकंड जनरेशन मॉडल है। राइट। तो उसका जो ओरिजिनल जो सस्पेंशन रहता है वो एक्चुअल में ये सब एक्स्ट्रा वेट कैरी करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। राइट। तो मैंने उसको अपग्रेड किया है। ओके। और उसमें भी जो ओरिजिनल जो स्प्रिंग आई थी उसकी कैपेबिलिटी 200 केजी प्लस की थी, यानी कि 200 केजी एक्स्ट्रा हम डाल सकते हैं। हाँ। लेकिन मेरे केस में इसका जो एडिशनल वेट, जो एक्स्ट्रा वेट जिसको बोलते हैं, वो हुआ था करीब मोर देन 450 केजी। राइट। तो फिर मुझे स्पेशली जो पीछे के सस्पेंशन की जो स्प्रिंग है वो अलग से डिजाइन करनी पड़ी। ओके। और वो अलग से उसको फिट करना पड़ा है। राइट। मतलब कि आपने सस्पेंशन अपग्रेड किया है वजन को ध्यान में रखते हुए। तो क्या मैं समझूं पानी भर गया होगा अभी? उसके लिए मैंने ओवरफ्लो दिया हुआ है। जैसे ही ओवरफ्लो होगा अपने को पता चल जाएगा कि पानी भर गया है। ओके। चलो बहुत अच्छा। तो कल्पेश, जब आप कैंप साइट पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले ये जो पूरा सेटअप है आपका, उसमें सबसे पहले किस चीज को आप छूते हैं या खोलते हैं? मतलब सबसे पहले मुझे जो पीछे के दो स्विंग है उसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि जो अपना रूफटॉप टेंट है उसकी रीच हाइट पे है। तो मुझे एक स्टेप अप करके उसको ओपन करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। तो ये सिंपल ये लैच है। हाँ।
जिसको खोल के अच्छा दोनों स्विंग खुल जाती है। अच्छा, इसको आप स्विंग बोलते हैं? हाँ, ये स्विंग है। हाँ, दोनों स्विंग है। ये अपना जो पीछे का कस्टमाइज जो बम्पर है उसमें माउंट है। अच्छा, मैं एक चीज पूछूं आपको, आपने जो अभी कुछ किया इधर इधर किया उधर किया, ये लॉक है क्या? ये स्विंग का लॉक है। हाँ, स्विंग का लॉक क्या है, खोलने के बाद फिर पवन से या कोई भी किसी भी फोर्स से ये अपने आप बंद ना हो जाए। हाँ, उसके लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो देखा दोस्तों, कल्पेश ने अपनी टेंट खोल दी है। तो ये आपका टेंट रेडी हो गया? टेंट रेडी हो गया। खिड़की खुल गई? खिड़की खुल गई, सीढ़ी लग गई। हाँ, और भावना जी ऊपर जाएगी अभी। आइए। ये फुटवेयर के लिए है ना? बहुत बढ़िया कल्पेश, मैं एक दो सीढ़ी ऊपर चढ़ के देख लेता हूँ, और चढ़ते वक्त मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न आएंगे वो मैं पूछूंगा आपको। ठीक है? तो भावना जी, लड्डू कहाँ है हमारे? नहीं है लड्डू, बेडरूम में नहीं होते ना। अच्छा, किचन में होते हैं। अच्छा कल्पेश, मुझे ये दिमाग में आ रहा है कि सीजन होती है, मतलब जैसे गर्मी की सीजन होती है, ठंड की सीजन होती है, तो आप लोग कैसे बचते हैं उन चीज़ों से जब टेंट में सोते हैं? तो यही हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस आउट किया था गोवा ट्रिप पे। ओके। गोवा में हम जो 2022 में हम जो गोवा ट्रिप किया था उसमें इतना गर्मी था, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटा सा पोर्टेबल बैटरी ऑपरेटेड, मेरे पास एयर कंडीशन है विथ हीटर, मतलब एक ही चीज ठंडा भी करती है और गर्म भी करती है, डबल पर्पस है। हाँ, ओके। टायर भी माउंट है और उसमें केबल भी है। पूरा कंट्रोल मैं फ़ोन से कर सकता हूँ। मानो कि रात को अंदर सोए हैं और ज़्यादा ठंडा हो गया या ज़्यादा गर्म हो गया, उसको प्लस माइनस करना है तो मैं यहीं से ही कर सकता हूँ। फैन की स्पीड प्लस माइनस करनी है तो मैं फ़ोन से ही कर सकता हूँ। वेरी गुड। उसके लिए मुझे नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, ओके। तो कल्पेश, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ ये आपकी ओनिंग है। हाँ जी। और ये 270 डिग्री नहीं है? नहीं, ये सिंगल पीस है। ये सिंगल पीस है। बाहर लेना पड़ेगा पहले। हाँ, एक साइड एक साइड, अब फिर वो अपने आप आ जाएगा। तो भावना बहन, आपका अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, आपका जो ये किचन का सेटअप है वो कैसा रहा? क्या एकदम कन्वीनियंस है या कुछ हड़बड़ी होती है? नहीं, कुछ नहीं होती, बिल्कुल जो हम अभी
एक महीना होके आए ना, एक महीने से भी ज्यादा, तो हमारी पूरी ग्रोसरी एक महीने की, सब हमारे बर्तन सब इस एक दो में ही आ जाता है, इससे सारा आ जाता है, सारी ग्रोसरी, हमारे जो बर्तन भी हमारे जो इंडियन मसाले सारे इतने सारे रहते हैं, हम तो आटा आटा भी लेके चलते, बाजरे का आटा भी लेके चलते, वो सब यहीं पे रह जाते हैं, सब यही दो में ही आ जाता है सब। और मुझे लगता है आप एक आपके पास एक फ्रिज भी है जो अभी नहीं है, 38 लीटर का है आपके पास, तो डेयरी प्रोडक्ट सब इसमें आ जाती है। बस इसमें दो बर्नर है, इसके साथ बर्तन है, ये दो होता है और एक कुकर रहता है। मुझे लगता है एकदम इजी है, जब भी आप खड़े हो गए बस ये विंग खोल दी और यहाँ से डोर निकल दिए, तो एकदम इजी सेटअप है किचन का और एकदम क्विक खाना, बहुत सेटअप करने में इतना टाइम नहीं लगता। और जब अगर बारिश ऐसा कुछ हुआ तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जो ऑनिंग खुली है, ये टेबल ये सब वहाँ पे ले जाके वहाँ पे हम कुक कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अब तक हमारा एक्सपीरियंस इतने सारे कैंपिंग हमने की, वो इतने सारे लोगों से मिले, तो मुझे लगता है कि ऐसा होता है कि लोग क्या कहते हैं कि घर का खाना अलग होता है और कैंपिंग का खाना अलग होता है। कैंपिंग में जब जाते हैं लोग तो ऐसी चीजें ले जाते हैं जो क्विक हो, रेडी टू ईट हो, इंस्टेंट फूड हो, ऐसी सारी चीजें ले जाते हैं और वही पकाते हैं। लेकिन भावना जी के, भावना बहन के मामले में अलग है, और क्या अलग है वही बताएंगे। मेरा क्या है, मैं और मेरे हस्बैंड कल्पेश दोनों को वो बाहर का जो इंस्टेंट वाला हो वो पसंद नहीं है, तो बेस्ट ट्राई वही रहता है जो हम घर में बनाते हैं वही मैं यहाँ भी बनाऊँ, और बन भी जाता है, ऐसा नहीं है नहीं बनता। और इतना घर में जो मज़ा आता है उससे मज़ा बाहर जो खाने में आता है ना वो बहुत मज़ा है। जो घर का खाना जो घर पर बनाते हैं वो, मैं एक बार पूछ ही लेती हूँ इनको कि घर पे आप क्या क्या बनाते हैं और वही क्या आप कैंपिंग में भी बना पाते हैं, वो कौन कौन सी रेसिपी है? वैसे घर पे हमारे यहाँ डेली दाल चावल और रोटी सब्जी बनती है, गुजराती में होता ही है। वही और बाजरे की रोटी विंटर जो रोटला बन बोलते वो, और हम ज्यादा विंटर में ही जाते हैं कैंपिंग के लिए, तो वहाँ तो बाजरे की रोटी और ज्यादा। भावना बहन ये तो आपने खोल के दिखा दिया, एक ये वाला डोर जरा हमारे दर्शकों को खोल के दिखा दीजिए। ये लॉक है। अच्छा, ओहो बहुत सारा स्टोरेज है इस यहाँ पे, तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्टोरेज, तो बर्तन ग्रोसरी सब सब आ जाता है इसमें। अच्छा ये जो ट्रे है ये क्या है? ये है ना वो फ्रीज के लिए है, देखो ये हम ऐसे करके बाहर निकाल, फ्रीज भी बाहर निकाल, फ्रीज बाहर आ जाता है, तो हम आसानी से कुछ अंदर सामान जो रखा है वो ले सकते हैं। कल्पेश कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में आए हैं। नंबर वन ये कि ये लिमिटेड कैपेसिटी की बोतल है, तो ये तो कुछ दिनों में खत्म हो जाती होगी, तो आप कैसा करते हैं इसको रिफिल करने में? इसमें ऐसा है, ये जो बोतल है ना ये स्पेशल बोतल है, ओके, जो नॉर्मल ब्रिटेन का जो अमेजोन वगैरह से मिलता है वो बोतल नहीं है। अच्छा, ये सर्टिफाइड रिफिलेबल बॉटल है। ये जो है 0.6 kg इसका 0.6 kg का कैपेसिटी है, और अपना जो नॉर्मल जो LPG का सिलेंडर आता है उससे ही मैं इसको रिफिल करता हूँ। अच्छा, और बहुत बहुत इजी रिफिलेबल है। तो हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं आपने कि आपने इंडिया से लिया या कोई फॉरेन से मंगाया है? नहीं, ये मैं US से लेके आया था। और ये जो ये सब US से आया है? सब US से आया है। अच्छा, उसके बाद एक और प्रश्न है मेरे दिमाग में, ये जो मेटल मैं देख रहा हूँ सब, ये लोहा है, स्टील है या एल्यूमिनियम है? देखो कैंपिंग व्हीकल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वेट। आप जो भी बिल्ड करें उसका वेट कितना बनता है वो बहुत मायने रखता है, ड्यू टू ड्राइविंग स्टेबिलिटी, ड्राइविंग कंफर्ट, और साथ में जो अपना व्हीकल रहता है उसकी जो लिमिटेशन रहती है वो लिमिटेशन को क्रॉस करके हम उसको क्रॉस कर देते हैं, तो उसकी वेयर एंड टेयर फिर उसमें बढ़ जाता है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कोई भी गाड़ी को RV या कैंपर वैन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके ऊपर
बहुत ध्यान देना जरूरी है। तो ये पूरा जो सेटअप है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। एल्यूमिनियम का बना हुआ, इसका मतलब ये होगा कि वजन बहुत ही कम हो गया। कम हो। तो ये दर्शकों को ये बताइए आपकी ये जो एल्यूमिनियम का सेटअप क्या, अच्छा ये पूरा एल्यूमिनियम आप बोल रहे हैं? सब कुछ एल्यूमिनियम है। ये भी एल्यूमिनियम है। अच्छा ये भी एल्यूमिनियम, वो भी एल्यूमिनियम है, ये भी एल्यूमिनियम है, और ये भी एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम है सिर्फ, स्टील उतना है जहाँ पे अब मानो कि ये जो अपना रियर बम्पर है, रियर बम्पर को जो जिस फाउंडेशन से हमने उसको कनेक्ट किया है गाड़ी के साथ, गाड़ी की चेचिस के साथ, वो स्टील फ्रेम है। अच्छा तो ये बताइए आप कि ये जो एल्यूमिनियम से आपने जितनी भी चीजें इसमें बनाई है उसका टोटल वेट क्या हुआ था, यानी कितना वेट एड किया आपने? हाँ, इसमें हमने नॉर्मल जो फॉर्चुनर का वेट आता है उसके अलावा हमने बिना पानी का वेट कैलकुलेट करते हैं तो 400 केजी होता है, 425 केजी। मतलब 425 केजी आपने ऐड किया इसमें, एवरीथिंग इंक्लूडिंग ग्रोसरी एंड एवरीथिंग विद फ्रीज एंड रेफ्रिजरेटर। अच्छा वो सब कैलकुलेट कर लिया। तो 425 किलो कहाँ रहा, मतलब वो यानी कि परमिसिबल वेट के हिसाब से रहा या थोड़ा बढ़ गया? नहीं, परमिसिबल वो एक्चुअल में फॉर्चुनर का जो ओरिजिनल कैपेसिटी है वो 7 सीटर आता है। अच्छा, सो आप नॉर्मली एक इंसान का वेट आप 60 केजी कैलकुलेट करते हैं ऑन एन एवरेज, तो 7-6 मतलब 420 केजी हो गया। या 420 केजी ऐसे ही हो गया। और हमने नॉर्मली इसमें 400 केजी जो किया तो उसमें लगेज भी परमिसेबल होता है। अच्छा, तो लगेज और जो हमने 3 पैसेंजर पीछे के उसको रिमूव करके के हम देखने जाते हैं तो मोर लेस सेम हो जाता है। सेम हो जाता है। वेरी। तो ये हो गई किचन की बात। अभी हमें देखना है कि आप शावर के लिए क्या व्यवस्था है आपकी गाड़ी में, और सुबह शौच जाने के लिए यानी टॉयलेट जाने के लिए। पहले मैं आपको शावर का सिस्टम बता देता हूँ। ओके, तो हमने इसमें गैस गीजर सेटअप किया हुआ है। अच्छा, वो कहाँ पर है गैस गीजर? हाँ, अच्छा, तो ये पीछे पूरा एक एल्युमिनियम का बॉक्स बना हुआ है। हाँ। उसमें लॉक दिए हुए हैं। ये पूरा सावर का सेटअप है। ये है गैस गीजर है और ये है उसका बॉटल। अब मैं आपको उसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम यहाँ पे है। ये प्रेशर मोटर, ये है लाइट का। अब एक लाइट यहाँ दी हुई है पीछे, और इसमें भी 2 टोन है, एक ब्राइट और ये येलो। और ऐसे ही भी एक लाइट हमने बनाई है, ये येलो है और इसमें भी 2 टोन है। कनेक्टर से आज ये पहलू छे इनपुट छे, जस्ट पुश कर देवाने એટલે પુશ કરતે હી ગીઝર શરૂ હો જાતે હે। हां अच्छा, એક અને જે બીજી છે એ આમ अब इसमें हमने जो पाइपिंग का जो अरेंजमेंट किया है उस तरह से है, इसमें हमने प्रेशर पंप इंस्टॉल किया हुआ है। सो टांकी में से प्रेशर पंप से जो पानी आता है वो यहाँ आता है, तो ये सीधा जाता है गैस गीजर में, और गैस गीजर में गर्म होके जो पानी आता है वो यहाँ आता है। तो यहाँ पे 3 कनेक्शन है, ये 2 हो गया इनपुट और आउटपुट, और ये जो कनेक्शन है वो यूटिलाइजेशन के लिए है। मानो कि किचन में हमको पानी की ज़रूरत है तो उसके लिए मैंने एक छोटा सेटअप तैयार किया हुआ है जो सीधा क्विक कनेक्ट हो जाता है
इसी में ही, और कुछ भी आप कर सकते हो, यहाँ पे बर्तन धो सकते हो। ये हो गया अपना किचन का यूज के लिए। और फिर अब मैं दिखाता हूँ शावर का सेटअप। कल्पेश, ये शावर के लिए है? हाँ जी। तो इसको खोलते हैं? हाँ, अभी पहले मैं ये जो अपना शावर के लिए शावर हेड है हाँ। उसको कैसे अटैच करते हैं? तो सिंपल, ये क्विक कनेक्टर दिया हुआ है, उसको दबा दो। हाँ, ये अपना शावर। अच्छा, पानी शुरू हो जाता है क्या? हाँ, इसमें भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ये ऑफ हो गया। अच्छा, और इसको अभी हम फिलहाल यहाँ रख देते हैं, और अपना शावर टेंट है वो दिखा देता हूँ। अब ये हो गया अपना शावर टेंट। इसके ऊपर का टॉप भी है, लेकिन अभी आज मैं साथ में नहीं लाया हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मतलब मालूम पड़ गया, ऊपर से भी कवर कर सकते हैं। हाँ। तो इसका ये जो टेंट है, उसका सिर्फ आप शावर के लिए यूज करते हैं या टॉयलेट के लिए भी यूज करते हैं? उसमें दो कंडीशन हम देखते हैं। हाँ, कि बहुत सारे जो कैंपिंग स्पॉट रहते हैं वहाँ पे आप खड्डा कर सकते हैं। अच्छा, सावल से। हाँ हाँ हाँ। तो उस कंडीशन में नॉर्मल टॉयलेट सीट है जो हम ओल्ड एज लोगों के लिए भी घर में भी यूज करते हैं, जिसको मेडिकल सीट, जिसको मेडिकल मानो कि वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है किसी के पास। हाँ, तो उस सिचुएशन में ऐसी सीट मेडिकल में मिल जाती है। अच्छा, वो यूज करते हैं खड्डा करके, और एक अलग से टेंट है, ऐसा टेंट मिल जाता है। अच्छा, ये टेंट खोल देते हैं आप? वो हम ऐसे खोल के, ऐसे जहां पे गाड़ी से थोड़ा दूर हम इसको पीच कर देते हैं, और इसके अंदर खड्डा खोद दिया, वो सीट आ गई और अपना काम हो गया। होने के बाद मट्टी से ढक दो, जब जाने का हो तो पूरा ढक के उसको लेवल करके इसको अंदर रख दो। तो ये हो गया जहाँ पर वो व्यवस्था है, खड्डा करने की व्यवस्था है। और नहीं हो तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि पत्थर वाली जमीन, जैसे ये है हार्ड पत्थर वाली हार्ड सरफेस रहती है, तो वहाँ खड्डा पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए मैं एक और टॉयलेट लेके आया हूँ। अच्छा, मैं बाहर ही उसको खोल के दिखा देता हूँ। ये लेके आया, मतलब ये भी फॉरेन से मंगाया है? हाँ, यूएस से ही लेके आया हूँ। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट है। हाँ, और इजी इंस्टॉलेबल है। अच्छा, इसको खोल दो। हाँ, नीचे हो गया। यहाँ पे जिसको बोलता है ना बायोडिग्रेडेबल उसका बैग मिलता है। हाँ, वो रख देते हैं। हाँ, और ये अपना हो गया टॉयलेट। जब ये टॉयलेट यूज करते हैं तो इसको हम रखते हैं आइदर इसमें, या तो इसमें, मानो कि एकदम रात को इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ गई और हमको कहीं जाना पड़ रहा है, हाईवे पे कहीं कुछ अवेलेबल नहीं है, तो शावर टेंट को ही हम खोल देते हैं। इसको शावर टेंट में ही रख के अपना जो फ्रेश होने का जो भी कार्यक्रम है वो निपटा सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है। दूसरी चीज़ इसमें और भी है, हम एक बार यूज़ करने के बाद स्मॉल जो अपना जो वुडन, उसको क्या बोलते हैं, भूसा वुडन छित्रण, वो आप
यूज करने के बाद डाल दो तो स्मेल नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो इसका कोई पाउडर भी तो आता होगा ना? वो महंगा आता है, उससे अच्छा। बेस्ट ये है। अच्छा अच्छा। वुडन चित्रण डाल दो, कुछ छोटी बैग में साथ में लेके चलो और जब भी यूज करो चित्रण डाल दो, दैट्स इट। और बैग का डिस्पोजल कैसे करते हैं? फीड बैग, हम जहाँ मानो कि कैंप में है और जब हम हम शिफ्टिंग करते हैं उस टाइम में वो बैग को डबल कवर करके हम हमारे पास पीछे ये जो स्पेयर टायर है उसके पीछे हम एक गार्बेज बैग, बैग हाँ। हम कैरी करते हैं उसमें लेके चलते हैं जहाँ पे अपना डिस्पोजेबल की वहाँ डंप कर देते हैं, डंप कर देते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया शावर का और ये हो गया सोच का। अभी हमें जानना है कि आप पावर मैनेजमेंट के लिए क्या व्यवस्था की है आपने गाड़ी में? ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हर ओवरलैंडर के लिए, ये बहुत पेचीदा प्रश्न है। तो इसमें मैंने नॉर्मली सेकंड बैटरी इसमें बनाई हुई है। मतलब सॉरी मैं ये समझूं कि गाड़ी की जो बैटरी है उसके अलावा सेकेंडरी बैटरी बनाई हुई है और वो भी 230 एएच की। अच्छा जबरदस्त, मतलब होता है 230 एएच का बैटरी बनाया हुआ है और साथ में डीसी टू डीसी चार्जर, यानी कि आप गाड़ी जैसे ही स्टार्ट करते हो तो गाड़ी का जो डायनेमो है वो गाड़ी की बैटरी को भी चार्ज करेगा और जो सेकेंडरी बैटरी है उसको भी चार्ज करता है। ओके। और तीसरी चीज है उसमें हमने 400 वाट का सोलर पैनल इंस्टॉल किया हुआ है। जो ये ऊपर है वो 400 वाट का सोलर पैनल है? हाँ। और ये भी आप बाहर से लाए या इंडिया से प्रोक्योर किया आपने? नहीं, ये तब यहाँ पे इसको फ्लेक्सिबल सोलर पैनल बोलते हैं, तो ये भी मैं वहीं से ही लेके आया था और इससे अपने को दो सोलर का एडवांटेज ये है कि जब कैंपिंग फेज पे हम जब रहते हैं तो इनफ पावर अपने को सोलर से ही मिल जाता है। राइट। आज तक हम लास्ट जो हमने ट्रिप किया 1 महीना 5 दिन का, उसमें कभी मुझे ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि मेरी बैटरी ड्रेन हो गई और मुझे गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ा। राइट, मतलब ऑटोमेटिक चार्ज बैटरी जितना हमारा कंजप्शन था उतना मिला आपको, जितना कंजप्शन था सब कंजप्शन ये सोलर ने मुझे दिया है। तो आप बताइए हमें कहाँ बैटरी रखी है, मतलब ऐसा वो खजाना लगता। अच्छा, ये जो पूरा जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो जो मिडल वाली सीट है उसके पीछे जो एक्स्ट्रा स्पेस थी उसको मैंने उसको यूटिलाइज कर दिया है, जिससे कॉम्पैक्ट कम जगह में अपना पूरा सेटअप आ जाए। आइए मैं दिखाता हूँ ये सीट। मैं उस साइड का भी खोल देता हूँ। ये पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है और यहाँ पे ये जो है पूरा बैटरी पैक है। अच्छा। मतलब बैटरीज यहाँ पर है, बैटरीज ये दोनों के बीच में सेटअप की हुई है। अच्छा। और ये जो है वो डीसी टू डीसी चार्जर है और ये जो है वो 2000 वाट का प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। इन्वर्टर है। और ये फ्यूज है, फ्यूज है, सर्किट ब्रेकर है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम जब भी आप बिल्ड करते हो तो दो चीज का बहुत ध्यान रखो, सेफ्टी, शॉर्ट सर्किट के टाइम आपके पास प्रोटेक्शन इनफ हो। सो हमने इसको मल्टीपल जगह पे शॉर्ट सर्किट के लिए सर्किट ब्रेकर और फ्यूज प्रॉपर दिए हुए हैं। राइट। ऐसा नहीं कि पैसा बचाने के चक्कर में उसको हम अपनी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर दें। मतलब ये ऐसे जगह आपने लगाया है
कि आम तौर पर लोग ये समझते होंगे कि ये कहाँ लगाया है इन्होंने। पूरा इतने में इलेक्ट्रिकल सिस्टम आ गया, 230 एएच का बैटरी सिस्टम है और 200 वाट का इन्वर्टर है और ये सोलर से भी चार्ज करता है, गाड़ी से भी चार्ज करता है बैटरी को, और एक ऊपर एक और दूसरा गैजेट दिख रहा है वो मुझे एडिशनल ऐड करना पड़ा। ये हाँ, उसका रीज़न ये है कि ये जो इन्वर्टर है वो मैं पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूएस से लेके आया था। अच्छा, ये पूरा यूएस का आ गया। हाँ, तो इन्वर्टर जो है वो 110 वोल्ट एसी का है, मतलब यूएस स्टैंडर्ड से। यूएस स्टैंडर्ड से, तो यूएस स्टैंडर्ड। और यहाँ पे अपना जो भी एम्प्लायंस है वो 220 वोल्ट एसी पे चलता है, राइट। तो उसके लिए मैं ये हैंडी कन्वर्टर यूज करता हूँ जिससे आप 110 इनपुट भी दे सकते हैं इसमें और 220 आउटपुट भी मिल सकता है। ओके। और 110 इनपुट पे 110 तो मिलता ही है, 220 इनपुट पे मैं 110 भी ले सकता हूँ। अच्छा, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा है। तो आपका कोई भी टाइप का गैजेट हो, यूएस वाला या इंडिया वाला, दोनों इस सिस्टम में चलता है। तो कल्पेश, जहाँ तक मुझे ख्याल है आप लोग यूएसए में भी रहते हैं और कुछ महीने यहाँ भी आ जाते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आपने ये लाइफ क्यों पसंद की, मतलब ट्रैवलिंग करना, टेंट में रहना, होटल में भी रह सकते थे ना आप लोग तो। बिल्कुल, मैं थोड़ा मेरा शुरुआत से कुदरत के नज़दीक रहने का एक स्वभाव था। मैं जब इंडिया में था, ये सब सेटअप नहीं था, तो भी मैं ऐसे ही निकल जाता था गाड़ी लेके और दिनों दिन मैं वहाँ पे रह के मेरा जो भी रिसर्च वर्क और जो भी टेक्निकल वर्क था वो मैं करता रहता था। और मुझे पहले से ही ऐसा जो नेचुरल जितना भी सीनिक और जिसको पीसफुल जगह है ऐसी मुझे पसंद थी। फिर उसके बाद जब मैं यूएस शिफ्ट हुआ और वहाँ पे भी बिजनेस वगैरह था और फिर बच्चे भी जुड़ गए साथ में, तो ज़्यादातर टाइम मेरा फ्री टाइम मुझे मिलने लगा, तो जो मेरा अंदर रहा हुआ जो नेचुरल एंथुसियास्ट क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एंथुसियास्ट था जो, तो वो वैसे भी था ही ऐसा नेचर। फिर यहाँ काफ़ी छः महीने सात महीने मैं इंडिया में ही फिर रहने लगा, 2-3 महीने के लिए मुश्किल से मैं यूएस। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा सर्च करना शुरू किया कि भाई ओवरलैंडिंग कम्युनिटी उस टाइम चार पाँच साल पहले तो जैसे मुश्किल से ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। फिर आहिस्ता जो अपना ओवरलैंडिंग एसोसिएशन के जो मेंबर हैं उनसे मुलाकात हुई 2021 में, और उसके बाद सबसे मिल के और उनको देख के और रेगुलर फेज में ओवरलैंडिंग स्टार्ट किया। पहले सेटअप था हमारा, ग्राउंड सेटअप हम लेके चलते थे, कुछ दूसरा सेटअप हमने गाड़ी में नहीं अल्ट्रेशन नहीं किया था। 3 साल ऐसे ही ग्राउंड सेटअप पे एक्सपीरियंस करने के बाद मेरा 2 पॉइंट था। एक पॉइंट ये था कि गाड़ी में ड्राइवेबिलिटी मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी थी, और दूसरा कि कैंपिंग में भी कोई लिमिटेशन नहीं आनी चाहिए, चाहे आप गर्म वेदर हो, ठंडा वेदर हो, उस टफ वेदर में भी आप कैंपिंग कर सको। तीसरी,
चाहे कैसा भी टफेस्ट रूट हो, टफेस्ट टेरेन हो, वहाँ पे भी आपको वो टेरेन रोक नहीं पाए। तो ये दो तीन चीजें ध्यान में रख के फिर मैंने ये सेटअप किया है। वेरी गुड, ये सेटअप आपका बढ़िया है। मतलब आज तक तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से कभी मुझे धोखा नहीं। तो कल्पेश, थैंक यू सो मच, हमें गाड़ी के लिए समझाया और हमें दर्शकों को भी समझाया और भावना जी आपने भी बहुत अच्छा मतलब समझाया किचन के बारे में। आप दोनों को बहुत ही बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपकी आगे की जर्नी भी अच्छी रहे, सुखमय रहे और आगे और सफर करो और हो सके तो हमें भी साथ में लेके जाओ। ठीक है, चलो बाय।